कुछ घर मकान या मार्केट अंडरग्राउंड यानी जमीन के अंदर हो सकते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा गांव भी है जहां की पूरी आबादी जमीन के अंदर ही रहती है। यह अनोखा गांव दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है जिसका नाम कूबर पेडी है। इस गांव के रहने वाले लगभग सभी लोग अंडरग्राउंड घरों में ही रहते हैं। ये घर बाहर से बिल्कुल साधारण दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से घर का नज़ारा किसी लग्जरी होटल की तरह ही होता है। इस इलाके में दुनिया की सबसे ज़्यादा ओपल की खदानें हैं, जिसकी वजह से कूबर पेडी को दुनिया की ओपल राजधानी भी कहते हैं। यहाँ लोग ओपल की खाली पड़ी खदानों में रहते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ओपल एक दूधिया रंग का कीमती पत्थर होता है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह एक रेगिस्तानी इलाका है, इसलिए यहाँ गर्मियों में तापमान बहुत ज़्यादा और सर्दियों में बहुत कम हो जाता है। इसी कारण से यहाँ रहने वाले लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इससे बचने के लिए लोग खाली पड़े खदानों में रहने लगे। साल 1815 में कूबर पेडी में माइनिंग का काम शुरू हुआ था। इस समय यहाँ 1500 से ज़्यादा घर ऐसे हैं जो जमीन के अंदर हैं। कूबर पेडी के इन अंडरग्राउंड घरों में ना तो गर्मियों में एसी की ज़रूरत पड़ती है और ना ही सर्दियों में हीटर की। जमीन के नीचे बने इन घरों में हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ कई हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। साल 2000 में आई फिल्म पिच ब्लैक की शूटिंग भी यहीं हुई थी। इस फिल्म में इस्तेमाल किया गया स्पेसशिप यहीं छोड़ दिया गया था, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ बहुत से लोग घूमने के लिए आते रहते हैं।